नमस्कार प्रणाम बिलाग, आप सभी को स्वागत है आपको सुजाता किचन में। बनाएंगे आलू मटर की सब्जी। पहले तरीके से आलू मटर की सब्जी बनाएंगे तो आप बाकी पुराने तरीके सभी भूल जाएंगे। झटपट से आज हम आलू मटर की सब्जी बनाएंगे। इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें, उससे मेरी आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो चलिए बहुत ही आसान रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। करके कुकर रख लिया है, इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए फिर लेना है दालचीनी, 2 हरी इलायची, 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी, हल्का सा भून लेना है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले को हल्का सा भून लेना है, 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 मिनट प्याज को भी भून लिया है। अब लेते हैं यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर, नमक स्वाद अनुसार मिला लेते हैं। टमाटर को सॉफ्ट होने देते हैं। टमाटर भी अब सॉफ्ट हो गए हैं तो अब लेते हैं यहाँ पर 1 कटोरी मटर। मटर गैस की फ्लेम को हाई करते हैं। अब लेते हैं यहाँ पर 4 मीडियम साइज के आलू, सभी चीजों को मिला लेना है। चार हरी मिर्च, सभी चीजों को मिला लिया है। अब लेते हैं यहाँ पर पानी, 3 कप मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। कुकर में ढक्कन लगाते हैं और 4 सीटी आने देते हैं। 4 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर लेंगे। 4 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर लिया है। अब इसका प्रेशर भी निकल चुका है, ढक्कन को खोलते हैं। आलू को चेक करते हैं, आलू मैश हो रहा है, आलू पक चुका है। हरा धनिया, सब्जी को मिलाते हैं। आलू मटर की सब्जी बनके तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे, इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आने वाला है। आलू टमाटर की सब्जी की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं कल फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।